लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और सब्सक्राइब करें। सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। फतेहपुर जिले की रहने वाली तरन्नुम परवीन उर्फ रेखा ने सपना चौधरी डांसर को डांस के लिए चैलेंज कर दिया। जनपद के सदर क्षेत्र के आईटीआई के मैदान में सपना चौधरी का डांस प्रोग्राम होने वाला है। 11 मार्च के पहले तरन्नुम ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बयानबाजी करते हुए पूरे जनपद में हलचल मचा दी। तरन्नुम का कहना है कि मैं भी बचपन से शौक रखती थी इस लाइन में, मुझको रास्ते नहीं मिले, इस कारण मैं संकोच में थी। मैंने सोचा कि मेरे अंदर भी प्रतिभा है तो क्यों ना उस प्रतिभा को लोगों तक लाएं। उनका यह भी कहना है कि सपना के साथ हम डांस करना चाहते हैं। माना सपना चौधरी एक बड़ा नाम है मगर मैं कोई कम नहीं। खुद सपा नेत्री होने पर बताया कि इससे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मामला ये है कि मैं भी बचपन से शौक रखती थी फिल्म लाइन में, लेकिन शायद मेरी हिम्मत और या मुझे ऐसा कोई बैकग्राउंड या कोई रास्ते नहीं मिले तो मैं आगे नहीं जा पाई, संकोच में रहती थी। लेकिन मैं जब देखती हूँ कि बाहर लोग कितना घरों से बाहर आ रहे हैं और हम जैसे इतना टैलेंट लेकर के घर में क्यों बैठे हैं, तो अपने टैलेंट को जनता तक पहुँचाएं और कम से कम दिखाएं कि हाँ हमारे पास भी वो टैलेंट। सपना चौधरी के अंदर बहुत टैलेंट है, उनको कैसे चुनौती दे लिया? वो अपने अपने गट्स से हैं और अपने अपना कॉन्फिडेंस है। मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि हाँ मैं उनसे उम्मीद नहीं रहूंगी, बिजी रहूंगी। क्या है कि स्टेज पे दोनों आप चाह रही हैं कि उन्हीं के साथ आप डांस करना चाह रही हैं? यस, कोई भी उनका गाना हो या कोई भी फ्री गाना हो, मैं करने को तैयार हूँ। सपा नेत्री है आप, कहीं ऐसा तो नहीं कि सपा में एक साख बनाने के लिए आप अपने टैलेंट को ज्यादा कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपसे बताया कि मुझे बचपन से ही शौक था, लेकिन शौक को मैं मारे थी। लेकिन जब मैंने देखा सारे लोग बाहर आ रहे हैं, कहां से हरियाणा से हमारे जिले में आ रहे हैं और हमारे जिले की कला प्रतिभाएं किस तरह दबी हुई है, तो मैं उनके सामने इस चुनौती के जरिए क्या संदेश देना चाह रही समाज में? मैं संदेश ये देना चाहती हूँ वो बहनों को, वो माताओं को, वो लड़कियों को, वो बेटियों को, उनको जो जिनके अंदर कला और गट्स है, तो वो अपने घरों में निष्क्रिय बिल्कुल मत करें, वो जनता के आगे उजागर करें, वो हिम्मत देना चाहें। अपने आसपास हो रही किसी भी असामाजिक घटना को भेजें हमारे पास और बने समाज के प्रति जिम्मेदार। हम आपकी आवाज को पहुंचाएंगे महकमों से जुड़े जिम्मेदारों तक। हमें मेल करें support@tv30india.com पर या हमें व्हाट्सएप करें 9758766843 पर। और साथ ही TV30 डिजिटल मीडिया नेटवर्क के YouTube चैनल TV30 को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।